कहीं और रुक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। राज्यसभा में बिल पास होने पर पीएम मोदी ने अमित शाह की पीठ थपथपाकर दी बधाई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास होने के बाद जब सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही भंग कर दी तो मोदी अपनी सीट से उठ शाह की सीट पर जा पहुंचे। मोदी ने शाह को बधाई दी तो शाह ने हाथ जोड़ लिए। इस पर मोदी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर एक तरह से शाबाशी दी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देंगी शेहला रशीद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। शेहला रशीद ने एक के बाद एक 10 ट्वीट किए। शाह फैसले की पार्टी से जुड़ी शेहला रशीद ने कहा कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर परेश रावल अब कोई बीमार नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर बोले परेश रावल, अब कोई बीमार नहीं पड़ेगा। दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद परेश रावल ने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट कर लिखा, आपको सौ सौ सलाम।